हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं मैं 28 अप्रैल के टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि आपका इंडियन नेवी का एग्ज़ाम हो, इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, या फिर जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। तो पहला सवाल है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने HCL के साथ मिलकर COVID-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन विश्लेषिकी केंद्र की स्थापना की? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने HCL के साथ मिलकर COVID-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन विश्लेषिकी केंद्र की स्थापना की, और ये गाइज तमिलनाडु के चेन्नई के चेपॉक में, चेपॉक स्टेडियम के बारे में आपने सुना होगा, वहीं पे आपदा प्रबंधन केंद्र में रखा जाएगा इसे, और अर्थव्यवस्था तथा अन्य गतिविधियों के लिए इसे बनाया गया है, इसे साथ मिलकर तैयार किया गया है COVID-19 को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है जो है 1070, ये टोल फ्री नंबर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है, भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया? रेलवे, बैंकिंग, चिकित्सा और तेल आयात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है, ठीक है। अगला है तीन नंबर, गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉयस बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करने वाला बैंक का नाम बताइए। ICICI, SBI, SIDBI और यस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने ही गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉयस बैंकिंग सेवाएं शुरुआत की है, ये पहला बैंक है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा SBI, SBI का फुल फॉर्म हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है SIDBI, SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा है यस बैंक, यस बैंक का कोई फुल फॉर्म नहीं है और इसके फंडर हैं राणा कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा, किस राज्य द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना, हाल ही में लॉन्च की गई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का जो राजधानी है वो भोपाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम पांचवें नंबर की ओर। अगला है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? थल सेना, वायुसेना, पुलिस विभाग और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को CISF बोलते हैं, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है, और इसने ही लॉन्च किया ये नया एप्लीकेशन। कौन सा? ई कार्यालय एप्लीकेशन। छः नंबर है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? मई के दूसरे सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह, अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के प्रथम सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। अगला है हमारा, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? फेसबुक, गूगल, फोनपे और पेटीएम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेटीएम। पेटीएम के साथ में मिलकर वोडाफोन और आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। आठ नंबर है, हाल ही में नव नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताइए। सर्वेश्वर गुप्ता, शिवानी राठौर, पुरुषोत्तम बैस और संजय कोठारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कोठारी को हाल ही में नियुक्त किया गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे, ठीक है। किसे? संजय कोठारी को।
नौ नंबर है, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल और 22 अप्रैल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस पर एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि भारत ने कई देशों को अभी एक हाल ही में दवा दी है, उस दवा का क्या नाम है और वो मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर है, हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? झारखंड मार्ट, झारखंड बाजार, कोविड 19 सेवा और सुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी झारखंड बाजार। ये लोगों की मदद करने के लिए, जरूरी सामानों के लिए झारखंड बाजार नाम का ऐप झारखंड गवर्नमेंट ने जारी किया। आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है कि झारखंड के अभी वर्तमान में CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ये आज के 10 करंट अफेयर्स थे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। इंग्लिश में जल्दी ही आपको मिलेगा, थोड़ा वेट कर लो आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।